नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं MIUI 11 के बारे में। आज हम जानेंगे इसके कुछ खास टॉप फीचर्स, अवेलेबिलिटी इन डिवाइसेस एंड इसकी लॉन्च डेट के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके जो है टॉप फीचर्स के बारे में जान लेते हैं, जिनमें से पाँच जो हैं इसके कुछ जो टॉप फीचर्स हैं, जिनमें पहला वो है इसमें जो है सिस्टम वाइड डार्क मोड होने वाला है। ये एक बहुत अच्छी बात होने वाली है जो कि हमें हर एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में चाहिए होता है। जैसे कि जो नाइट में मोबाइल फ़ोन यूज़ करना हो तो उसके लिए सिस्टम वाइड डार्क मोड जो है बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो है इसका जो है पहला खास फीचर है। अब फ्रेंड्स, इसका जो दूसरा जो है टॉप फीचर है वो है ऑटो स्क्रीनशॉट मैनेजमेंट का। इसमें जो है ऑटो स्क्रीनशॉट जब आप खींचते हैं तो उसको थोड़ा मैनेज करेगा और जो स्क्रीनशॉट का आपका एक्सपीरियंस होगा उसको थोड़ा बेहतर करेगा। और तीसरा जो इसका खास फीचर है वो है स्टेटस बार ऑप्टिमाइजेशन का। इसमें जो है MIUI 11 में स्टेटस बार जो होगा Xiaomi के डिवाइसेस का, उनको भी थोड़ा ऑप्टिमाइज किया जाएगा, उनके आइकन्स को थोड़ा और अच्छी तरह बनाया जाएगा, यूजर्स के लिए अट्रैक्टिव बनाया जाएगा। और चौथा फीचर जो होगा इसका फ्रेंड्स, वो होगा मोनोक्रोम अल्ट्रा पावर सेविंग मोड, जो कि एक मोनोक्रोम अल्ट्रा पावर सेविंग मोड होगा जो कि आपकी बैटरी को और ज़्यादा एफिशिएंट और बचाएगा और जो बैकग्राउंड की सर्विसेज होगी उनको भी काफ़ी हद तक मैनेज अच्छी तरह करेंगे। अब फ्रेंड्स, हम इसके आखिरी जो इसका फीचर है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है रिफ्रेश्ड आइकन एंड एनिमेशन का। जो आइकन एंड एनिमेशन है उनको भी कुछ अच्छी तरह जो है मैनेज किया जाएगा, जो कि यूजर्स को एक अट्रैक्टिव लुक देगी। आइकन को भी इसमें बड़ा या छोटा या रंग बिरंगा किया जा सकता है और एनिमेशन को भी कुछ अच्छा सिमलेशली बनाया जा सकता है। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं इसके अवेलेबिलिटी इन डिवाइसेस के बारे में, कि किन डिवाइसेस के बारे में इसे जो है MIUI 11 सबसे पहले मिलेगा। तो सबसे पहले यही रूमर्स आ रहे हैं कि Mi Mix 4 में ये आ जाएगा, लेकिन अभी इसका जो है कुछ कंफर्म नहीं है कि Mi Mix 4 में ये आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, क्योंकि इसे एक लीक के दौरान देखा गया था इसका MIUI 11 का बीटा वर्जन। लेकिन सबसे पहले जो है Redmi K20 सीरीज और Mi Mix 4 में तो ये आएगा, क्योंकि ये इसके लेटेस्ट डिवाइसेस हैं Xiaomi के, और जो भी बाकी Redmi Note 7 Pro हैं जिन और बाकी सब Xiaomi के जो भी डिवाइसेस हैं उनमें जो है लगभग सभी को MIUI 11 मिलेगा। और MIUI 11 जो है वो Android Q पे आधारित होगा और Android Q पे ही मिलेगा, जो कि Android का अगला आने वाला Android 10 जो है वो उस पर आधारित होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपको MIUI 11 के बारे में टॉप फीचर्स, अवेलेबिलिटी इन डिवाइसेस और लॉन्च डेट जो है इसकी बहुत जल्द लॉन्च हो सकता है, ये सितंबर के एंड में या अक्टूबर तक इसका जो है बीटा वर्जन आ सकता है। वीडियो में बस इतना है। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।